सो हेलो सब गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं एक मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोग सोचते हैं बट कोई भी उसका आंसर नहीं दे पाता है, और अगर देता भी है तो खुलकर वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कि क्या आर्म रेसलिंग में करियर है या नहीं। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो आर्म रेसलिंग करते हैं बट उनके माइंड में डाउट रहता होगा कि क्या आर्म रेसलिंग में करियर है या नहीं, एंड उनके पेरेंट्स भी पूछते होंगे बट उनके पास कोई आंसर्स नहीं होते होंगे। तो इसके ऊपर ही हम बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बताऊँगा, ये नहीं कि जो मैंने बोल दिया वो है या नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता। जो मुझे लगता है, जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं उसके बेस में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहला चीज कि आर्म रेसलिंग अभी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आया है, ये प्राइवेटली चल रहे हैं, जो भी है फेडरेशन वगैरह हैं जो भी हैं। तो इसमें इतनी ज़्यादा कोई अर्निंग नहीं हो पाती है प्लेयर्स की। वो अगर कोई मैच जीतेंगे तो 2K 3K मैक्सिमम COC में उनको अच्छा से मिल जाएंगे, बट उनसे उनका घर नहीं चल पाएगा बिकॉज अभी वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट के अंडर तो आए नहीं है। कोई फेडरेशन को कुछ बाहर से पैसा तो मिलता नहीं कि वो अपने वहाँ से दे सकें। तो मुझे लगता है कि अभी के टाइम पे फिलहाल तो हम ये नहीं बोल सकते कि आर्म रेसलिंग में करियर है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे आने वाले टाइम में 1-2 सालों में ये गवर्नमेंट के अंडर आ सकता है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% लगभग चांसेस हैं। इसके अलावा इसमें आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आपने ग्रो कर ली तो हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें करियर है। तो पहला चीज़ कि सोशल मीडिया, अगर कोई आर्म रेसलर है एंड वो सोशल मीडिया से भी कनेक्ट करता है, आर्म रेसलिंग की वीडियोज़ वगैरह डालता है या यूट्यूब में डालता है, उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो पाती है, तो वो आर्म रेसलिंग को एज ए करियर चूज कर सकता है। ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो कि आर्म रेसलिंग करते हैं एंड अपने करियर को भी बिल्ड कर रहे हैं साथ ही साथ, एंड बहुत से ऐसे प्लेयर भी हैं जॉब करते हैं एंड आर्म रेसलिंग को कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे साइड बाय साइड, जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो जॉब करते हैं एंड साइड बाय साइड आर्म रेसलिंग को करते हैं, आप ऐसे ही कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है प्रो पंजा लीग, आप प्रो पंजा लीग में सेलेक्ट हो गए तो आने वाले टाइम में प्रो पंजा लीग जिस तरीके से अभी ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हाइप में चलेगा एंड ये प्लेयर्स को एक अलग ही लेवल का प्राइस देगा। बट फिलहाल तो प्रो पंजा लीग टूर्नामेंट कम करवा रहा है, जिसके कारण हम ये नहीं बोल सकते कि जितने भी टूर्नामेंट करवाता है साल 2 साल में या 1 साल में जितने भी करवाता है उससे हमारा घर चल सकता है, नहीं चल सकता, सिंपल सी बात है। बट इफ आर्म रेसलिंग अगर गवर्नमेंट के अंडर आ गया या आने वाले टाइम में ऐसे ही प्रो पंजा लीग ग्रो होते रहेगा, तो मे बी मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ PPL और आर्म रेसलिंग में हमारा करियर है। और साथ ही साथ आर्म रेसलिंग में भी पुलिस भर्ती में भी शामिल हो रहा है, आपने देखा होगा कि जो पुलिस वाले होते हैं वो भी आर्म रेसलिंग में अंडर आने लग गए, वो भी आर्म रेसलिंग का स्पोर्ट करवाने लग गए हैं। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, तो मैं यही बोलूँगा कि इसको छोड़ो मत, अपने साइड बाई साइड इसको चलाते रहो। और अगर आपको सच में आर्म रेसलिंग से प्यार है तो वीडियोज़ वगैरह डालो, टिप्स वगैरह दो जो सीख रहे हो उसकी, एक्सरसाइज वगैरह डालो, अपने मैचेस की एक्सरसाइज वगैरह डालो। एंड सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं आर्म रेसलिंग के उससे या बॉडी बिल्डिंग के उससे, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा एक दो एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो आप भी कर सकते हो, आप आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका इसमें करियर बन सकता है। बट अभी मैं फ़िलहाल ये बोलूँगा कि अगर आप खाली आर्म रेसलिंग करोगे विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट या विदाउट एनीथिंग, तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। आपने देखा होगा PPL में, PPL के जो मैचेस हैं अब वो TV में भी आने लग गए हैं। कुछ टाइम बाद अगर PPL ऐसे ही ग्रो होते रहा और आप PPL के ऑफिशियल प्लेयर बन जाओगे तो आपकी डिमांड, आपकी हाइप बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी, तो उस टाइम में भी आपको अच्छा खासा अर्निंग मिल सकता है जिससे आप अपना घर चला सको। सो आज की वीडियो पर इतना ही, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बोला है जो भी मुझे लगता है, बाकी आपको जो सही लगता है वो आपके ऊपर है। तो मैंने एक सजेशन टाइप का दे दिया आपको, बाकी आपके ऊपर बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।